अगर आप सोचते हैं सिर्फ वीडियो देखने मात्र से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो नहीं होगा, यह सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप अगले साल फिर दोबारा से हमें दिखाई देंगे किसी ड्रॉपर बैच में, हमें ऐसा नहीं करना है। आपको एक राज की बात बताऊं, एक राज की बात बताऊं, ट्वेल्थ में जितनी भी रैंक्स वन आई है ना, वन से वन जितनी भी रैंक वन आई आज तक आईआईटी की हिस्ट्री में, मैक्सिमम रैंक वन पता है कौन सी क्लास वाले बच्चों की आई है बताओ, गैस करो, मैक्सिमम रैंक वन कौन सी क्लास वाले बच्चों की आई है पता है तुमको? ड्रॉपर की आई होगी ना सर, वो तो तीन तीन साल पढ़ लेते हैं, उनकी आई होगी? नहीं नहीं, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो मैक्सिमम रैंक्स वन हैव बीन गिवन बाय क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, यानी ऐसे बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ऐसे मैक्सिमम बच्चे रैंक वन लेकर आते हैं। ड्रॉपर में सर रैंक वन क्यों नहीं आती? ड्रॉपर में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, आई है, लेकिन थोड़ा कम चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉपर में और तुम में थोड़ा सा ये अंतर है कि जब ड्रॉपर में बच्चा आता है वो पहले से सारी चीज पढ़े हुए आता है, उसे लगता है ये तो पता ही है, ये तो मालूम ही है, इसमें कौन सा नया बता दिया, ये तो हमारे सर ने पढ़ाया था। जैसे अभी तुम देखते हो कमेंट बॉक्स में कई बच्चे लिखते हैं, ये तो हमारे सर ने पहले से बता दिया था, ये भी हमारे सर ने बताया था, तो वह भी उन्होंने तो पूरा कोर्स पढ़ा होता है, तो वो क्या कहते हैं, ये भी हमारे सर ने बता रखा है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। तो इस कारण से वह जो टीचर सामने पढ़ा रहा है उसको उतनी डेप्थ के साथ नहीं पढ़ पाते, उसको उतनी कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाते। जब 12th में जो बच्चे होते हैं, जब वो 12th की पढ़ाई करना चालू करते हैं तो उनके लिए सब कुछ नया होता है, उनके पास ये कहने के लिए होता है ये तो पढ़ रखा है, ये तो मालूम है, ये तो हमारे टीचर ने पढ़ा रखा है, तो वो हर चीज को बिल्कुल क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, इसलिए उस चीज की बेहतर डेप्थ तक वो लोग पहुंच पाते हैं, जबकि वह लोग इतनी डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते, बस यही अंतर है। तो क्लास में जो आदमी जितना खाली होकर बैठेगा, जितना अपने आप को खाली होकर बैठेगा कि हाँ सर आप बताओ, हम तो आपको सुन रहे हैं, हम आपको जानते हैं, वो लोग बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं। जितने भी रैंक वन थे आपको उन सबकी एक खासियत बताता हूं, सत्वत जगवानी एक खासियत बताता हूं, They never miss a class. वो कभी भी एक भी क्लास मिस नहीं करते, एंड दे फॉलो द टीचर ब्लाइंडली। कल को अगर उसे लगता है कि मुझे ये हरी गुलाबी पुलाई कोई भी शरबती किताब करनी है, तो पहले वो टीचर के पास लेके आते थे कि सर ये कर लूँ क्या, सर आपको क्या लगता है कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप कहोगे तो रहने देते तो रहने देंगे, आप जो करा रहे हो उतना ठीक है, ये कर लें या नहीं कर लें, यानी वो भी टीचर से पूछने के बाद करते हैं, ऐसा नहीं कि खुद से तुम हम तो ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, अरे भैया पढ़ाई कर लो अपने आप सब हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस ध्यान रखें एक ही बात, खुद पर विश्वास और मुझ पर अंधविश्वास, बस ये दो चीज याद रखें, अपने आप सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अपने आप लाइन पर आता चला जाएगा। शुरू में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं टीचर के साथ, वो थोड़ा सा वो होता है ना रेजोनेंस होने में, आ जाएगा, तुम्हारी मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी से मैच हो जाएगी, चिंता मत कर। ठीक है।